एक बार इंद्रदेव ने गुरु बृहस्पति के साथ महादेव शिव के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया। जब महादेव को उनके आने का पता लगा तो वो इंद्र की परीक्षा लेने के लिए एक जोगी का रूप धारण कर उनके रास्ते में बैठ गए। इंद्र ने जोगी रूप में शिव जी से पूछा, ए अघोरी, देवराज हूं मैं, हटो मेरे मार्ग से। शिव जी क्रोधित हो उठे। क्रोध के कारण उनके नेत्र लाल हो गए। अब तक गुरु बृहस्पति समझ गए थे कि जोगी के रूप में स्वयं महादेव हैं। उन्होंने शिव जी से विनती की कि वो इंद्र को क्षमा कर दे। उनकी विनती को स्वीकार कर शिव जी ने अपने नेत्र समुद्र की ओर कर दिए। शिव जी की क्रोधाग्नि से समुद्र से एक बालक उत्पन्न हुआ। वो बालक बहुत जोर जोर से रोने लगा। उसके रोने की ध्वनि से संपूर्ण संसार बहरा हो गया। सभी देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। तब ब्रह्मा जी उस ध्वनि का अनुसरण करते हुए समुद्र तक गए और बालक को गोदी में उठाया। इसका जन्म समुद्र देव के गोद में हुआ है, इसीलिए ये जलंधर के नाम से जाना जाएगा। जलंधर।
पराजय योद्धा हूं। मुझे अपना स्वामी स्वीकार करो, अन्यथा तुम सबको मेरे क्रोध की बलि चढ़ना होगा। इसके पश्चात कैलाश पहुंचकर पार्वती जी को अपने अधीन करना चाहता था। यह देख पार्वती क्रोधित हो उठी। कोई भी दुष्ट मेरे प्रहार से सुरक्षित कभी नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा है? प्रणाम महादेव। प्रणाम देवी काली। आप इसको इसका दंड दे चुकी हैं। अब मेरे हाथों इसका अंग शेष है, इसलिए आपको यहाँ से प्रस्थान करना ही उचित है। उचित है महादेव। शक्ति है, अर्थात शिव की शक्ति है।